हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज व्यू पॉइंट. सो दिस इज क्लास थर्ड सीरीज एंड आई एम अनमोल बंसल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक रेन ड्रॉप्स दैट इज इन ग्रैंड मदर्स हट. सो ऑन पेज नंबर 104 यू हैव गिवन सम एक्टिविटी ऑन विच यू हैव टू इन विच यू हैव टू मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी. हेयर टू कॉलम्स आर गिवन इन विच वन you have given the name of some famous novels and on the other side the famous authors. So I have done it for you. So first one is Charlie and the Chocolate Factory. This famous novel was written by Roald Dahl. And next, Alice in Wonderland by Lewis Carroll. The Cat in the Hat by Dr. Seuss. The Magic Faraway Tree by Enid Blyton. Harry Potter's and the Philosopher's Stone by J.K. Rowling. So, that's it. Now move on to the main part of this chapter, that is the literature part, the course part. Start reading. Hedi is a lively little girl who lives in the Alps with her grandfather. She makes friends easily. One day Peter the goat herd tells her that his grandmother wants to meet her. From the moment she hears this, all that Hedi wants is to meet grandmother. देखो इसमें टू फाइव करेक्टर्स हैं. एक है हीदी जो कि एक छोटी बच्ची है और उसके हैं एक ग्रैंडफादर जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है, वो हीदी है. और पीटर जो है वो उसकी मदर है ब्रिगिडा एंड उसकी ग्रैंडमदर है जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रही हैं. ठीक है, तो अब एक दिन क्या होता है, जो हिंदी है वो बहुत ही लाइवली गर्ल है. लाइवली मतलब बहुत ही हर चीज को एंजॉय करती है, बहुत खुशी से रहती है. एंड दे लिव इन एल्प्स. एल्प्स जो है वो हमारे अमेरिका के माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन रेंज हम इसे कहते हैं. ठीक है, तो ये माउंटेन रेंज है, वहां की बात है. और वो आसानी से फ्रेंड्स बना लेती है. तो जो पीटर है वो गोट हर्ड है. गोट हर्ड मतलब जो बकरियों को बकरियों वाला चरवाहा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो पीटर वो है. तो वो एक दिन उसे कहता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो तुमसे मिलना चाहती है. तो जब से उसे ये पता चला है कि पीटर की ग्रैंड मदर मुझसे मिलना चाहती है, तो वो खुद उसकी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए उतारू है. तो अब हम रीड करते हैं कि चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या होता है. सो इन सेक्शन वन, द स्लेज स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ पीटर्स हट एंड ग्रैंडफादर सेड, व्हेन इट गेट्स डार्क कम स्ट्रेट होम. देन ही टर्न्ड होमवर्ड्स. अब क्या होता है, जो स्लेज होती है, स्लेज मतलब जो आइस है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ होती है उस एरिया में, तो जो आइस में वो जो होती हैं स्लेज होते हैं जो राइड करने के लिए होते हैं, वो उसमें ग्रैंड फादर उसके हिदी को लेकर आते हैं और वो पीटर की हट के आगे रुकते हैं और वो उसे वहां ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं कि अंधेरा होने से पहले सीधे घर आ जाना. और वो चले जाते हैं वापस. हिदी ओपन द डोर. अब हिदी दरवाजा खोलती है और वो देखती है अ बेंट ओल्ड वुमन वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर. हिदी रन अप टू हर एंड सेड, हेलो ग्रैंड मदर, आई होप आई हैवंट लेफ्ट केप्ट यू वेटिंग टू लॉन्ग. तो वो उनके पास जाती है और बोलती है कि हेलो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाया है. लिफ्टिंग हर हेड, ग्रैंड मदर रीच फॉर हिदीज हैंड. इज योर नेम हिदी, शी आस्क्ड. तो ग्रैंड मदर जो है वो अपना हेड अप करती है, सिर उठाती है और उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, पूछती है कि क्या तुम्हारा नाम हिंदी है. वो बोलती है यस यस, हिदी रिप्लाइड. ग्रैंडफादर जस्ट ब्रॉट मी डाउन इन द स्लेज. तो वो कहती है कि ग्रैंडफादर मुझे अभी भी स्लेज में लेकर आए हैं. फिर वो आवाज लगाती है, ब्रिगिडा टेल मी व्हाट शी लुक्स लाइक, सेड द ग्रैंड मदर. अब वो ब्रिगिडा एक करेक्टर है इसमें जो कि पीटर की मदर है और ग्रैंड मदर की बहू है. ठीक है, तो उन्हें आवाज लगाती है और वो बोलती है कि बताओ मुझे कि हेदी कैसी दिखती है. व्हाइल द वुमन वर टॉकिंग हेदी लुक्ड अराउंड एंड देन शी सेड, ग्रैंड मदर लुक एट दैट शटर हैंगिंग लूज. तो जब वो ग्रैंड मदर और ब्रिगेडा आपस में बातें कर रही होती हैं, तो वो देखती है इधर उधर और वो देखती है और वो कहती है कि ग्रैंड मदर की उस शटर की तरफ देखो, वो कितना लूज लटक रहा है. मतलब जो शटर है, जो दरवाजा है, वो बहुत ज्यादा लूज है. इट विल ब्रेक द विंडो पेन, और वो विंडो को तोड़ सकता है.
आई कैन हियर इट बट आई कैन नॉट सी इट चाइल्ड सेड द ग्रैंडमदर. वो ग्रैंडमदर बोलती है कि मैं उसे सुन सकती हूँ बट लेकिन मैं उसे देख नहीं सकती. फिर दिस कॉटेज रेटल्स एंड क्रीक्स एंड द विंड कम्स इन थ्रू एवरी चिंक. समडे द होल हाउस विल फॉल इन टू पीसेज इफ ओनली पीटर न्यू हाउ टू मेंड इट. तो वो कहती है कि ये जो कॉटेज है वो बहुत ज्यादा रेटल और क्रीक करता है जब हवाएं चलती हैं. व्हेन द विंड कम्स इन थ्रू एवरी चिंक. चिंक होता है गैप, किसी भी गैप से, थोड़ी सी जैसे हम बिरल कहते हैं, अगर थोड़े से भी गैप से वो हवा आती है तो पूरा जो घर है वो हिलने लगता है, हट हिलने लगती है. रेटल और क्रीक का मतलब ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड है. तो फॉल टू पीसेस का मतलब वो टुकड़ों में बंट जाएगा, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा सारा हाउस. तो लेकिन सिर्फ शायद पीटर को पता है कि इसे ठीक कैसे करना है. मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, ठीक है. तो व्हाई कांट यू सी द शटर आस्क्ड हीदी. तो हीदी पूछती है कि तुम क्यों उस शटर की तरफ नहीं देखते. तो फिर ओल्ड वुमेन कहती है आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं देख सकती. कैन यू सी व्हेन आई ओपन द शटर टू लेट इन द लाइट. तो वो बोलती है कि क्या आपने तब देखा जब मैंने शटर को ओपन किया था लाइट अंदर आने के लिए. तो वो बोलती है नो नॉट इवन देन, कि नहीं मैंने तब भी नहीं देखा. बट यू कैन सी व्हेन यू गो आउट इन टू द स्नो वेयर एवरीथिंग इज ब्राइट. कम विद मी ग्रैंड मदर आई विल शो यू. तो वो कहती है कि हीदी कहती है ग्रैंड मदर को कि लेकिन आप दिन में तो जैसे बाहर स्नो तो देख सकते होगे जब सब कुछ ब्राइट होता है, बहुत ज्यादा रोशनी होती है, डे लाइट होती है. तो मेरे साथ आओ, मैं आपको स्नो दिखाती हूँ. हीदी पुल्ड द ओल्ड वुमन बाय हैंड. हीदी ओल्ड वुमन को हैंड से जैसे हम खींचते हैं वैसे खींचने की कोशिश करती है. शी वॉज फ्राइटेंड एंड एंक्शियस. तो जो ओल्ड वुमन है, ग्रैंड मदर है, वो बहुत ही ज्यादा फ्राइटेंड, डर जाती हैं और एंक्शियस हो जाती हैं, घबरा जाती हैं. तो वो कहती हैं जस्ट लेट मी स्टे हेयर चाइल्ड, एवरीथिंग इज डार्क फॉर मी एंड माई पुअर आईज कैन नीदर सी द स्नो नॉर द लाइट. तो वो कहती है कि सब कुछ मेरे लिए एक जैसा ही है, सब कुछ डार्क है मेरे लिए. मेरी जो पुअर आंखें हैं, मेरी जो पुअर आईज हैं, वो ना ही स्नो देख पाएंगी और ना ही लाइट देख पाएंगी. हीदी बर्स्ट आउट क्राइंग नाउ कैन नोबडी मेक इट लाइट फॉर यू. तो वो कहती है हीदी जो है वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें कोई भी मतलब कुछ कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि आप देख पाओ. तो ग्रैंड मदर बोलती है हीदी लेट मी टेल यू समथिंग, पीपल हु कैन नॉट सी लव टू लिसन टू फ्रेंडली वर्ड्स. तो वो कहती है कि जो लोग देख नहीं पाते उन्हें सुनना बहुत पसंद होता है, जो फ्रेंडली वर्ड्स को सुनना बहुत पसंद होता है. तो सिट डाउन बिसाइड मी एंड टेल मी अबाउट योर ग्रैंडफादर. तो वो कहती है कि मेरे साथ बैठ जाओ और मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताओ. आई यूज टू नो हिम वेरी वेल, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानना चाहती हूँ. हीदी सडनली वाइप्ड अवे हर टीयर्स फॉर शी हैड अ चीयरिंग थॉट. हीदी ने फटाफट अपने आंसू पोंछे और क्योंकि उसको एक थॉट आ गया कि जो क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो सुनना पसंद करती हैं तो वो खुश होगी कि उसको एक अच्छा सा आइडिया आ गया. चीयरिंग थॉट मतलब एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सा आइडिया जिससे वो मतलब उसको ओवरकम कर सके उसके सैडनेस को. ग्रैंड मदर आई शेल टेल माई ग्रैंड फादर एंड आई एम श्योर ही कैन मेंड योर लिटिल हाउस एंड स्टॉप द रैटलिंग. तो वो कहती है ग्रैंड मदर मैं अपने ग्रैंड फादर को बताऊंगी और मैं ये श्योर करती हूँ कि वो आपकी जो हट है या आपका जो हाउस है उसे वो मेंड कर देंगे, रिपेयर कर देंगे और ये रैटलिंग जो है, खड़खड़ाहट जो है वो बंद हो जाएगी. नाउ वी लुक इन टू सेक्शन नंबर 2. सडनली द डोर बैंग्ड एंड पीटर वॉक्ड इन. इज इट रियली टाइम फॉर हिम टू कम होम, एक्सक्लेम्ड पीटर्स ग्रैंड मदर. तो एकदम से दरवाजा खुलता है और पीटर अंदर आता है और वो देखते हैं कि क्या ये पीटर की ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या ये टाइम है इसके घर आने का. पीटर्स मदर ब्रिगेडा गोट अप नाउ सेइंग आई मस्ट मेक अ फायर इट्स गेटिंग डार्क. तो पीटर की जो मदर है वो खड़ी होती है ब्रिगेडा और कहती है कि मुझे तो फायर लगानी चाहिए, चलानी चाहिए क्योंकि बहुत अंधेरा होने वाला है. व्हेन हीदी हर्ड दोज वर्ड्स शी सेड गुड नाइट आई हैव टू गो. तो जब हीदी ये वर्ड सुनती है कि अंधेरा होने वाला है तो वो एकदम से खड़ी होती है और गुड नाइट कह के चले जाती है और बोलती है कि मेरे को जाना होगा. ग्रैंड मदर कॉल्ड आउट फेट चाइल्ड डोंट गो अलोन, गो विद हर पीटर. तो वो ग्रैंड मदर बोलती है कि रुको बच्चा रुको, अकेले मत जाओ. पीटर को बोलती है कि उसके साथ जाओ. बट लेकिन जो हीदी है वो दौड़ जाती है. बट हीदी हैड ऑलरेडी एस्केप्ड थ्रू द डोर. वो भाग चुकी होती है. शी रन सो फास्ट दैट पीटर कुड हार्डली फॉलो हर. वो इतनी तेज भागती कि पीटर उसे फॉलो नहीं कर पाता. अब चिल्ड्रन हैड गॉन अ शॉर्ट डिस्टेंस व्हेन दे सॉ द ओल्ड मैन कमिंग. अब वो वहां पे जो चिल्ड्रन यहाँ पे यूज किया पीटर और हीदी के लिए यूज हुआ है. पीटर उसके पीछे पीछे ही आ रहा है लेकिन
जब वो भाग रही होती है तो रास्ते में उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं। आई एम ग्लैड यू कैप्ट योर वर्ड हेदी ग्रैंडफादर सेड, तो वो उसके ग्रैंडफादर होते हैं और कहते हैं कि मैं खुश हूँ, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी हूँ ना, मैं खुश हूँ कि तुमने जो मेरे वर्ड्स थे उनको रख लिया। मतलब वो उन्होंने कहा था कि टाइम से वापिस आ जाना, तो इसीलिए वो ये सुनते ही कि अंधेरा होने वाला है वो दौड़ पड़ी और वो उन्हें अपनी बाहों में रैप कर लेते हैं, गोदे उठा लेते हैं और स्टार्टेड अप द हिल और वो पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं अपनी गोदी में हिदी को उठा के। एज सून एज दे वर इन साइड द हट हिदी बिगेन, ग्रैंडफादर वी मस्ट टेक सम नेल्स एंड अ हैमर डाउन टुमोरो, एवरीथिंग रेटल्स इन हर हाउस। तो अपने ग्रैंडफादर को बोलती है कि ग्रैंडफादर हमें कुछ नेल्स मतलब वो जो कीले होती हैं, नेल्स और हैमर लेकर जाना पड़ेगा, सब कुछ उसके घर उनके घर में ग्रैंड मदर के घर में ना रेटल करता है मतलब आवाजें करता है। तो इज दैट सो हु सेज वी मस्ट, तो वो कहते हैं कि क्या ऐसा है और तुम्हें किसने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए। वो कहती है नोबडी टोल्ड मी बट आई नो, हेदी रिप्लाइड, कहती है मुझे किसी ने नहीं कहा लेकिन मुझे पता है, एवरीथिंग इज लूज इन द हाउस एंड पुअर ग्रैंड मदर इज अफ्रेड दैट हाउस विल फॉल डाउन। और वो जो ग्रैंड मदर है वो डरती है, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, वो डरती है कि सब कुछ जो घर में कभी फॉल ना हो जाए, सब कुछ गिर ना जाए। प्लीज ग्रैंडफादर डू समथिंग टू हेल्प हर, आई नो यू कैन। तो वो रिक्वेस्ट करती है अपने ग्रैंडफादर को कि प्लीज आप उनकी हेल्प कर सकते हो, मुझे पता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो। हिदी क्लंग टू हर ग्रैंडफादर एंड लुक्ड अप एट हिम विद ट्रस्टिंग आईज, हिदी जो है क्लंग मतलब उनके ऊपर चढ़ जाती है, क्लंग मतलब किसी को क्लाइंब कर लेना, वो क्लाइंब कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता है आप कर सकते हो, मुझे पता है आप कर सकते हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली आई से, ट्रस्ट वाली आई से देखती है कि आप मेरी बात मान जाओ। एट लास्ट ही सेट ग्लासिंग डाउन, उनकी तरह उसकी हिदी की तरफ उसका ग्रैंडफादर देखते हुए बोलते हैं ऑल राइट चाइल्ड वील सी दैट इट वॉन्ट रेटल एनी मोर, वी कैन डू इट नो मोर, कि ठीक है मैं कल चलूंगा और हम ये श्योर करेंगे कि वो दोबारा रेटल ना करे। हिदी वॉज सो ओवरजॉयड दैट शी डांस्ड अराउंड द रूम शाउटिंग विल डू इट टूमोरो, विल डू इट टूमोरो। सो जब वो खुश हो जाती है, उसे पता चलता है कि ग्रैंडफादर जाएंगे अब उनका घर ठीक करने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हो जाती है, खुश हो जाती है और वो नाचने लगती है ये कहते हुए कि हम कल करेंगे, हम कल मतलब वो रिपेयर करेंगे। द ग्रैंडफादर टुक हिदी डाउन द फॉलोइंग डे आफ्टर हिदी हैड डिसअपियर्ड इनसाइड, जो ग्रैंडफादर होते हैं हिदी को अपने साथ लेकर जाते हैं और जो हिदी है वो तो अंदर चले जाती है, डिसअपियर्ड इनसाइड मतलब वो अंदर चले जाती है। He walked around the house inspecting it, और वो ऐसे जो ओल्ड मैन है वो इंस्पेक्ट करता है पहले हाउस को, ध्यान से देखता है कि कहाँ कहाँ पे खराबी है। हिदी सैट ऑन अ लो स्टूल एट ओल्ड वुमेन्स फीट एंड चैटेड विद द ग्रैंड मदर, और हिदी जो है ग्रैंड मदर के पास जाके बैठ जाती है और उनके साथ वो बातें करने लग जाती है। सडनली वायलेंट ब्लोज वॉज हार्ड आउटसाइड, और सडनली एकदम से बहुत जोर से आवाज आती है जो कि अंदर सुनाई देती है, बाहर से आवाज आती है। द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो जो ग्रैंड मदर है वो चीखती हैं, स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाती हैं। ग्रैंड मदर डोंट बी फ्राइटेंड सेड हिदी, हिदी कहती है कि ग्रैंड मदर डोंट बी फ्राइटेंड मतलब डरो मत, ग्रैंड मदर इज जस्ट फिक्सिंग एवरीथिंग फॉर यू, जो ग्रैंड मदर है वही कर रहे हैं कुछ और वो सब आपके लिए ठीक कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल ब्रिगेडा डू यू हियर दैट, तो ब्रिगेडा को वो पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है, तुमने सुना। ब्रिगेडा वेंट आउटसाइड शी फाउंड द ओल्ड वुमेन पुटिंग अ न्यू बीम अलोंग द वॉल, तो ब्रिगेडा बाहर जाती है और वो देखती है कि जो ओल्ड मैन है वो एक बीम जो है वुडन का बीम है वो वॉल में लगा रहा होता है ताकि वो हट स्ट्रांग हो जाए। वी आर वेरी ओब्लाइज टू यू, हाउ कैन वी थैंक यू, शी आस्क्ड, तो ब्रिगेडा बोलती है कि हम बहुत ज्यादा आपके थैंक यू हैं। ओब्लाइज का मतलब होता है थैंक यू, वी आर वेरी ओब्लाइज टू यू, कि हम तुम्हारा कैसा शुक्रिया अदा करें, ये बोलती है। तो वो ही इंटरप्टेड मतलब जो ग्रैंडफादर होते हैं हिदी के वो बोलते हैं कि दैट विल डू, ही कोई बात नहीं, तो गो इन फॉर आई कैन फाइंड व्हाट नीड्स मेंडिंग माई सेल्फ, तो कहता है कि आप अंदर जाओ मैं खुद ढूंढ लूंगा कि किस किस चीज को रिपेयर की जरूरत है और मैं वो रिपेयर कर दूंगा। फिर अब आता है लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 3, इन दिस यू हैव गिवन सम शॉर्ट पैराग्राफ, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल आफ्टरनून द ग्रैंडफादर हैमर्ड अराउंड, ही इवन क्लाइंब अप द रूफ, ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन द लास्ट नेल वॉज गॉन फ्रॉम हिज पॉकेट, तो वो पूरी दोपहर वो हट को रिपेयर करता है और उसे उसकी जो वो रूफ के ऊपर भी चढ़ जाता है वहां पे भी रिपेयर कर देता है और वो जब तक उसकी पॉकेट में लास्ट नेल नहीं रह जाती वो तब तक स्टॉप नहीं होता। एंड सो द विंटर पास्ट, सनशाइन हैड कम अगेन इन टू ब्लाइंड वुमेन्स लाइफ, तो इस तरह से जो विंटर्स हैं वो निकल जाती हैं, सनशाइन
दोबारा ब्लाइंड वुमेन्स लाइफ में आती हैं. एवरी वुमेन शी वुड वेट फॉर हिदीज फुटस्टेप एवरी मॉर्निंग. सो हर मॉर्निंग हिदी के फुटस्टेप्स का इंतज़ार करती है ग्रैंड मदर की. हर रोज़ वो आए और वो उसके साथ शेक्स क्लेम जॉयफुली और वो बहुत ही खुशी से बातें करते हैं. थैंक गॉड शी हैज़ कम अगेन. तो वो बोलते हैं कि थैंक गॉड करती है कि वो दोबारा आई. हिदी ऑल्सो बिकेम वेरी फॉन्ड ऑफ हर. हिदी भी ग्रैंड मदर की बहुत ज़्यादा नियर हो जाती है. उसे भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे डेली जाना है वहाँ पे. द ग्रैंड फादर सून मेंडेड द कॉटेज. और ग्रैंड फादर दोबारा उस कॉटेज को मेंड करते हैं. द ग्रैंड मदर डिक्लेयर दैट नो रेटलिंग कुड बी हर्ड एनी मोर. और ग्रैंड मदर ये डिक्लेयर कर देती हैं कि कोई भी रेटलिंग अब नहीं होती. एंड दैट थैंक्स टू द ग्रैंड फादर्स काइंडनेस. और वो कहते हैं कि ग्रैंड फादर की जो काइंडनेस है उसको थैंक करते हैं कि उन्होंने इतना जो हमारे लिए किया वो बहुत बहुत ज़्यादा किया. शी स्लेप्ट बेटर देन विंटर देन दैट विंटर शी देन शी हैड डन फॉर मैनी ईयर्स. और वो उन सर्दियों में बहुत अच्छे से सोई है जैसे जैसे वो पहले नहीं सो पाती थी क्योंकि घर अब ठीक हो चुका था. फ्रॉम हिंदी द गर्ल फ्रॉम एलेक्स बाय जोन सिप्री. सो दिस वॉज रियल गर्ल हिंदी फ्रॉम एल्प्स माउंटेन. ये वहीं से स्टोरी ली गई है जोना सिप्री ने और ये एक ट्रू स्टोरी है. आई होप यू लाइक इट एंड रीड इट प्रॉपरली बिकॉज इट हैज सम डिफिकल्ट वोकैबुलरी सम एडवांस्ड वोकैबुलरी. यू हैव टू अंडरलाइन दैट वर्ड्स. इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एनी टाइम. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.